हेलो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ सब लोग आज बहुत अच्छे से होंगे। आप सब लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मिली बग हमारे गार्डन में एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। ये वाइट कलर का होता है इनसे, और ये पेस्ट देखें कैसे एक जगह पे ऐसे चिपक जाता है। ये मेरा मॉस रोज के प्लांट्स हैं मेरे, ये इतने हैविली अफेक्टेड हो गए। गार्डन में सारे प्लांट्स को एक ही बार में देखना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो अगर कोई प्लांट्स आप छोड़ देते हैं, देखते नहीं हैं ध्यान से, तो उनमें पेस्ट पूरा काबू कर लेता है। और ये देखिए कितना अफेक्टेड है ये प्लांट्स, कितना ज़्यादा देख रहे हैं। ये तो पॉट्स के बाहर भी, पॉट्स में ये बॉटल्स को वेस्ट प्रोडक्ट्स में यूज़ करती हूँ। कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट हो, मैं चाहती हूँ कि कोशिश कर रहता है मेरा हमेशा कि मैं उसको इस्तेमाल करूँ। खास करके गार्डनिंग में तो हम लोग इस्तेमाल कर ही सकते हैं। तो मेरी पहली हमेशा कोशिश रहती है कि मैं ऑर्गेनिक के लिए या तो मैन्युअली इसको रिमूव करूं, ऑर्गेनिक के लिए कोई स्प्रे बना के इसमें इस्तेमाल करूं। तो स्प्रे इस्तेमाल करने पे हम लोग को कम से कम 2-3 स्प्रे तक तो रिज़ल्ट उतना दिखता नहीं है। पहले कम होगा, फिर बंद होगा, स्टॉप होगा। तो इसके लिए सबसे आसान और बेस्ट तरीका यही होता है कि इसको कोशिश किया जाए कि फ़र्स्ट टाइम में ही एक तो ध्यान रखा जाए अच्छे से, और दूसरा कि इसको मैन्युअली रिमूव किया जाए। रिमूव करने से क्या होगा, ये एक ही बार में ख़त्म हो जाएगा, और फिर इस पर आप आगे से ध्यान रखेंगे तो काफ़ी हद तक ये इफ़ेक्ट होने से भी बच जाएगा। तो ये लगभग काफ़ी दिनों से ही ख़राब हो गया, देख सकते हैं कैसे पूरा पौधे को ख़राब कर लिया है ये लोग। मिलीबग्स का सबसे बड़ा साइन होता है, अगर समझ में भी नहीं आ रहा है कि प्लांट्स मिलीबग से अटैक हो रहा है, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम में तो समझ में नहीं आता। जब हमारे पास बहुत सारे प्लांट्स हो जाते हैं गार्डन में, तो हमको समझ में नहीं आता है कि भाई इसमें ये पेस्ट आ रहा है, वो पेस्ट आ रहा है। डेली के बेसिस पे उतना टाइम देना पॉसिबल नहीं होता। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं कि जब भी एंट्स दिखे आपके प्लांट्स को, आप ध्यान दें कि भाई एंट्स क्यों आ रहा है। एंट्स का मतलब यही होता है, ये जो इंसेक्ट्स होते हैं ये लोग शुगरी सब्सटेंस सिक्रेट करते हैं, तो एंट्स उसके पीछे पीछे आता है कि उसको शुगर का स्मेल से। अब मैं सबसे इन लोगों को एक काम करूंगी, जो कम अफेक्टेड है उनको भी क्लीन करके ऐसे ही छोड़ दूंगी। और अगर कुछ लग रहा है कि क्या कर सकते हैं, कुछ प्लांट ज़्यादा ख़राब हो रहा है, तो उनको मैं कटिंग्स निकाल के फिर दूसरे नए तरीके से इनको प्लांट्स करूँगी। और ये सारा जो है मैं जला दूँगी इनको, क्योंकि यही बेस्ट तरीका है कि इसको जला दें ये ख़राब हो गया तो, क्योंकि नहीं तो इसमें से फिर दूसरे प्लांट्स में शिफ्ट हो। मैन्युअली इसको क्लीन करने के लिए मैं जो इस्तेमाल कर रही हूँ, ये पुराना टूथब्रश अनयूज्ड है, इसको यूज़ करने लायक नहीं है, बहुत पुराना है। तो उससे इन टहनियों में से जो भी है मिलीबग्स जहाँ लगा हुआ है उसको ब्रश करके सॉफ्टली ब्रश करेंगे, उससे ये मिलीबग्स नीचे गिर जाएंगे। और फिर उनको मार देना है, मिलीबग्स को आप छोड़िए मत, इनको मार दीजिए। मारने से क्या होगा, ये फिर ख़त्म हो जाएंगे, नहीं तो फिर ये आप यहाँ पे छोड़ देंगे जिस जगह पे, वहाँ से फिर दूसरे प्लांट्स को ये लोग अटैक करेंगे, दूसरे प्लांट पे जाके चढ़ जाएंगे, फिर उसको ख़त्म करेंगे। मिलीबग्स का अटैक जस्ट फ्लावरिंग सीज़न में, या फिर अभी आफ्टर रेनी सीज़न अभी ख़त्म हुआ है, विंटर स्टार्ट हुआ है, ये प्लांट्स खास करके ये मॉस रोज का अभी सीज़न ख़त्म हो गया ना, विंटर आ गया, तो अभी इस पर ये अटैक कर रहे हैं। इसे रिमूव करिए, तो ब्रश से धीरे धीरे स्क्रब करते जाइए, ये रिमूव होते जाएंगे। पॉट में भी जहाँ जहाँ गंदगी है उसको भी क्लीन कर लेंगे, उससे क्या होगा गंदगी से भी बहुत सारा पेस्ट अटैक होता है। तो ये मिट्टी वगैरह तो लग ही जाता है डेली बेसिस पे, ये पॉसिबल है नहीं हम लोगों के लिए कि सारे पॉट्स को हम लोग क्लीन करें। इंडोर होता है तो हम लोग फिर भी क्लीन कर लेते हैं, आउटडोर का सारा चीज़ क्लीन करना क्वाइट इम्पॉसिबल है।
तो जब भी क्लीन कर रहे हैं, और ये बेस्ट है फिज़िकली आप रिमूव कर देंगे तो ये एक तो आपका ये हो जाएगा, आप कोई भी कभी भी केमिकल हो या ऑर्गेनिक भी हो, कुछ भी पेस्ट कंट्रोल वाला कुछ भी स्प्रे करना चाहिए उससे पहले एक बार कोशिश करें कि भाई ऑर्गेनिक फिज़िकली इसको रिमूव कर दें, तो उससे ये काफ़ी दिनों तक बचा हुआ रहेगा। आप अगर कोई भी स्प्रे भी यूज़ कर रहे हैं तो आपको कम से कम 3-4 स्प्रे के बाद ही रिज़ल्ट दिखेगा, और ऐसे क्लीन कर देंगे तो आपको एक ही बार में ये पूरा क्लीन हो जाएगा और एक आपको सुकून हो जाएगा, प्लांट्स भी बच जाएगा और आपको भी एक मेंटली भी हम लोग को प्रेशर हो जाता है कि मेरा प्लांट्स को अफेक्टेड है, टेंशन रहता है तो उससे, क्योंकि हम लोग अपने प्लांट्स को ख़राब होते हुए तो नहीं देख सकते। तो ये देखिए कितना, मैं शुरू में दिखाई थी कितना सारा था इसमें मिलीबग, तभी मैंने इसको ब्रश कर दिया, अब देख सकते हैं ये पूरा साफ़ हो गया। ऐसे ये कुछ मैं अभी रखी हुई हूँ, सबको मैं अभी साफ़ कर लूँगी। तो आप लोग भी अपने गार्डन में हमेशा कोशिश करें कि प्लांट्स पे ध्यान रखें, नज़र रखें, अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो जाए कि कुछ पेस्ट आ रहा है क्या हो रहा है, अगर शुरू में ही पता चल जाएगा तो प्लांट्स को बचाना ईजी हो जाता है। उम्मीद करती हूँ ये इन्फॉर्मेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा, अगर आप लोग को अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट टाइम फिर एक नए वीडियो के साथ आगे आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।